गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करें चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड द प्लास्टिक्स। अब देखिए क्या हमारा फाइबर्स क्या होता है, कोई भी जो भी हमारा क्लोथ होता है उसका जो थिनेस्ट मटेरियल होता है ये थ्रेड लाइक, इसको हम कहते हैं फाइबर। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि कुछ हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, कुछ हमारे आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल फाइबर्स हमारे वो हो गए जो हमें एनिमल या प्लांट से ऑब्टेन हुए, और जो भी ह्यूमन के द्वारा हमारे मैन्युफैक्चर हुए उनको हमने कहा सिंथेटिक फाइबर या मैनमेड फाइबर्स। तो जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, एक जो चेन लाइक यूनिट होती है उनके मिलने से बना होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, आपको ये दिखाई एक माला दिखाई गई और यहाँ पे ये पिंस है जो अटैच है। तो जो भी हमारा सिंथेटिक फाइबर्स है वो चेन है ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टूगेदर, मीन्स इसमें देखिए बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो मिली हैं और एक पूरा चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं। यही स्ट्रक्चर हमारे सिंथेटिक फाइबर्स में मिलता है, ठीक है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस, मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर्स। और ये पूरी सिंगल एक जो यूनिट है इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं, जो नंबर ऑफ यूनिट से मिलकर बनता है। अब पॉलीमर्स की अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करें तो पॉली मीन्स होता है मैनी एंड मर्स मीन्स यूनिट, मीन्स बहुत सारी यूनिट से मिलकर बनती है सिंगल यूनिट, जिसको हम कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमर इज मेड अप ऑफ रिपीटेड यूनिट। अब देखिए पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो लाइक कॉटन। अब इसका एग्जाम्पल है पॉलीमर्स, हमारे पॉलीमर्स हम कहेंगे जब भी बहुत सारी यूनिट से सिंगल यूनिट बने तो उसको हम कहेंगे पॉलीमर्स। तो यहाँ पे दिया है कि कॉटन एग्जाम्पल है, इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्युलोज, सेल्युलोज से बनती है हमारी कॉटन। अब पढ़ेंगे सिंथेटिक जो भी हमारे फाइबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक नंबर वन है हमारा रेयन। अब रेयन को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। अब ये जो होता है ये कैसे बनती है, फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। जो वुड का पल्प होता है उसको केमिकली ट्रीट करा जाता है जिससे हमारे रेयन हमें मिलती है, और इसको क्या कहते हैं, मिक्स किया जाता है कॉटन से और हमारी बेडशीट बनती है। अगर इसको वूल से मिक्स करेंगे तो हम कारपेट बनाएंगे। जैसे देखिए ये इसका मैंने एग्जांपल दिया है। अब जैसे सिल्क, अगर हम इसे कंपेयर करेंगे सिल्क से तो ये बहुत ज़्यादा चीप होती है। नेक्स्ट हमारा है आर्टिफिशियल फाइबर है हमारा नायलॉन। अब नायलॉन हमारा क्या है, इसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज नहीं होता। देखिए हमारे रेयन में क्या था, हमने वुड का पल्प लिया था, लेकिन यहाँ पे ये पूरी तरह से केमिकली ट्रीटेड है, तो ये हमारा फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर भी कहलाता है हमारा नायलॉन, ठीक है। अब इसको ये फाइबर स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है, लस्ट्रस होता है, इजी टू वॉश होता है। अब आपने देखो सॉक्स, रोप, टेंट, टूथब्रश, कार सीट, बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टन, जो ये सब है ये हमारे किसके बने होते हैं, नायलॉन के। देखिए आपको दिखा गए हैं पिक्चर से, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये जो हमारा है कि जो हमारा नायलॉन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि जो हमारे पैराशूट है और जो भी हमारे माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं वो रोप जो यूज़ करते हैं वो सब हमारी नायलॉन की यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारा एक आता है पॉलीस्टर एंड एक्रेलिक। अब पॉलीस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, फैब्रिक मेड फ्रॉम फाइबर डजंट गेट रिंकल इजीली, मीन्स ये सिकुड़ता नहीं है, बहुत ही हमारा ये क्रीप होता है और इजी टू वॉश होता है, मीन सख्त सा होगा और बहुत ही आसानी से वॉश हो जाएगा, ठीक है। इट इज क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, यू हैव मस्ट सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर टी शर्ट एंड अदर ड्रेसेस, इसकी ड्रेसेस बनती है। टेरिलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर है, मीन्स ये सब क्या है, पॉलिस्टर एक तरह के केमिकल है और इनका नाम इनके केमिकल जो भी हमने यूज किया उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। अब इसमें एक केमिकल और आता है पैट, जिसको हम कहते हैं पॉलीइथाइलिन टेट्राफिनेफ्थलेट। अब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर पॉलीस्टर है, इससे क्या है जो भी हमारी बॉटल है, यूटेंसिल्स है, फिल्म है, वायर्स है, ये सब हमारे इससे बनते हैं। अब थोड़ा हम पॉलीस्टर को देख लेते हैं। पॉलीस्टर क्या, देखिए पॉलीस्टर एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटेड यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। जो ईस्टर है केमिकल उसकी बार बहुत सारी यूनिट से मिलकर बनता है, उसको हम कहते हैं पॉलीस्टर। ईस्टर्स आर द केमिकल विच गिव फ्रूड लाइक स्मेल्स देते हैं। फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट, ये सब क्या है, एक हमारे पॉलीस्टर है। अब जो जिससे मिक्स होके बना उसको उसके अकॉर्डिंग नाम दिया, जैसे कि पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीस्टर एंड कॉटन, पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीस्टर एंड वूल।
अब जो भी आप देखे स्वेटर्स पहनते, ये लगते तो कॉटन जैसे पर एग्जैक्टली होते नहीं है। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुड, थ्रो दे अपीयर टू रिजेंबल वुड, दीज आर प्रिपेयर फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक। अब एक्रेलिक क्या है, जो हमें ऊन की तरह दिखता है लेकिन एग्जैक्टली वो ऊन का फाइबर नहीं होता है। अब इसके अलावा क्या होता है कि ये जो भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ये अगर मेल्ट हो जाएं या आप अगर इनको किचन में पहन के काम करें तो इजीली मेल्ट हो जाएंगे और बॉडी से चिपक जाएंगे। तो इसलिए जो भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो सस्ते तो होते हैं लेकिन अगर हम कहें तो वो एनवायरो फ्रेंडली या ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आती है प्रोटोकेमिकल। जो भी हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू वो बनते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रोटोकेमिकल। अब इसमें जो रॉ मटेरियल वो हमारा क्या होता है, पेट्रोलियम ओरिजिन होता है, इसीलिए इसको प्रोटोकेमिकल कहा जाता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे सिंथेटिक फाइबर्स की, कि ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इनमें सिकुड़न नहीं आती, सस्ते होते हैं, आपको कपड़ा इसका सस्ता मिलेगा, रेडीमेड इजीली अवेलेबल होगा और मेंटेन करना इसे आसान होगा। अब इसके अलावा हमारे यहाँ पे आता है प्लास्टिक। अब प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक भी हमारा एक पॉलीमर है। पॉलीमर मीन्स जब बहुत सारे यूनिट से मिलके कोई चीज़ बनती है तो उसको पॉलीमर कहते हैं। एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था सिंथेटिक फाइबर का अरेंजमेंट, जैसे कि एक माला थी वैसा इसका अरेंजमेंट नहीं होता, कुछ लीनियर होंगे और कुछ क्रिस्प क्रॉस होंगे। जैसे देखिए लीनियर इस तरीके से अरेंजमेंट होगा जो हमारी प्लास्टिक के पॉलीमर्स हैं, या इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। अब ये क्या होते हैं, किसी भी शेप में अवेलेबल होते हैं, किसी भी साइज में होते हैं, इजीली रिसाइकिल हो जाते हैं, रीयूज हो जाते हैं, कलर हो जाते हैं, मेल्टेड हो जाते हैं। आप इसको बाल्टी से लेके शीट तक, इस तक कुछ भी बना सकते हैं, वायर्स तक। अब यहाँ पे हमारे देखिए पॉलीथीन को दिया हुआ है कि पॉलीथीन क्या है, इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है, जिसको हम देखिए पॉलीइथीन से मिलके बनता है, जिसके हम पॉलीथीन बैग्स बनाते हैं। अब यहाँ पे दो नई टर्म्स आती हैं, थर्मोप्लास्टिक मीन्स वो प्लास्टिक जो इजीली हीट होने के बाद बेंड हो जाए, मेल्ट हो जाए, उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जैसे पॉलीथीन और पीवीसी। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से होते हैं, जो हीट होने पर सॉफ्ट नहीं होते, मेल्ट नहीं होते, जैसे कि ये देखिए हमारे ये थर्मोसेटिंग। अब जैसे स्विच बोर्ड है, अगर ये ऐसे होते इजीली मेल्ट हो जाते तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो ये मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन ये हमारे कहते हैं थर्मोसेटिंग है, मीन्स इजीली हीट से मेल्ट नहीं होंगे। तो आपने देखिए हैंडल्स हैं, ये प्लेट्स हैं हमारी, क्रॉकरी सेट्स हैं, ये स्विच बोर्ड है, ये हमारा कैसा होता है, थर्मोप्लास्टिक्स का बना होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। अब हमारे थर्मोप्लास्टिक है, जैसे कि देखिए जो भी हम यूज़ करते हैं बॉक्सेस वगैरह, वायर्स हैं, ये हमारे क्या है, थर्मोप्लास्टिक, मीन्स हीट होने से ये चेंज हो जाते हैं। अब प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस, अब आज की डेट में क्या है, ये ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ में क्यों है, क्योंकि सस्ती है, लाइट वेटेड है, गुड इसकी हैंडलिंग अच्छी है, और इसकी क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। तो अगर आप मेटल से करें इसको कंपेयर, तो ये क्या कहते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं देता एयर और हमारे वाटर के साथ, मीन्स आप देखिए कोई भी स्टील का डिब्बा जंग लग जाएगी उसमें, काला हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक का डिब्बा आप इजीली वॉश कर लेंगे, वेट में कम होगा, उससे सस्ता होगा, तो इसलिए ज़्यादा यूज़फुल है। अब प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव है, जो प्लास्टिक है रिएक्शन नहीं देती वाटर और एयर से, ये भी हमने पढ़ा, इसलिए ज़्यादा यूज़ में है। प्लास्टिक हमारी लाइट होती है, स्ट्रांग होती है और ड्यूरेबल होती है। अब इसके अलावा यहाँ पे प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर है। क्या आप देखिए प्लास्टिक में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर है। इसके अलावा एक और चीज़ है हमारी प्लास्टिक में, टेफ्लॉन है, एक स्पेशल टाइप की प्लास्टिक है, जो आप भी माइक्रोवेव्स के यूटेंसिल्स होते हैं उनकी कोडिंग पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी पानी और वाटर है वो स्टिक नहीं करता है। अब यहाँ पे हमारा दिया है कि प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। अब देखिए हमारे दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक होते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल और एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। वो मटेरियल जो ईजिली डिकम्पोज हो जाए नेचुरल प्रोसेस से बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, मीन्स अगर एटमोसफियर में आए तो वो दोबारा से एटमोसफियर में मिक्स हो जाते हैं बैक्टीरिया के प्रोसेस से, उनको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि जो भी हमारा एनिमल और हमारा जो भी प्लांट्स का वेस्ट होता है वो, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होते, जिस जो हमारा एक प्लास्टिक है, इसलिए हमारा प्लास्टिक एनवायरमेंटल फ्री नहीं है, फ्रेंडली नहीं है। अब ये क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल में बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं है, पॉइजनस होता है। मानिए पॉलीथीन से आप
इसको डस्टबिन में डालते हैं, कोई भी क्या कहते हैं एनिमल इसको खाता है तो चौक होती है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ड्रेनेज खराब करता है, नालियों में जाता है, चौक करता है, क्योंकि सालों तक पड़े रहते हैं और डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। तो इसके को खत्म करने के लिए क्या कर रहा है, जो सिटीजन के लिए 4R प्रिंसिपल दिया है कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर, के हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जो भी प्लास्टिक है उसके यूज को कम करें और रिसाइकिल करें। ठीक है, यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए, उनकी जगह जूट या कॉटन के बैग लेने चाहिए, और जो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग अलग कलेक्ट करना चाहिए, और बेटर है कि प्लास्टिक के वेस्ट को हम रिसाइकिल करें, थ्रो ना करें। यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। देखिए एक बार इसके स्मॉल जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो हम देख लेते हैं। एक्रेलिक, आर्टिफिशियल सिल्क, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, पॉलीमर, पॉलिथीन, रेयन, सिंथेटिक फाइबर, टैलिन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हमने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिया। आप एक बार क्वेश्चन आंसर इसके देख लीजिएगा कि आपको चैप्टर समझ आया या नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।